पड़ेगा। हाँ, लो ये आ जा जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत सरकार ने भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च सम्मान है देने की घोषणा की। जैसे ही कर्पूरी ठाकुर के घर में इस बात की जानकारी मिली सभी लोग खुशी से झूमने लगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। ये तस्वीरें देखिए, ये कर्पूरी ठाकुर के घर की तस्वीर है जहाँ रामनाथ ठाकुर जेडीयू सांसद हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो बरसों से जिस बात की उम्मीदें की जा रही थी वो जब पूरा होते हुए उन्हें दिखाई पड़ रहा है तो वो लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस बीच जो जननायक के परिवार के सदस्य हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बयान को भी सुनिए। क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी हो रही? आप सबों के द्वारा जो मालूम हुआ टेलीविजन पर जो मैंने सुना तो मुझको खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, क्योंकि 36 वर्षों तक मैं मांग करता आ रहा था लेकिन उस पर विचार नहीं किया। एकाएक 100वां वर्ष पूरा होने के बाद एक दिन पहले भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बता दें कि बिहार की सियासत में जननायक को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से चल रही है और तमाम राजनीतिक दल के नेता यह चाह रहे थे कि उन्हें भारत रत्न मिले। जननायक कर्पूरी ठाकुर का योगदान भारत के सामाजिक इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के राजनीतिक दृष्टिकोण के अलावा देश भर में उनकी सोच की परिकल्पना ही है कि आज हक और आरक्षण की बातें की जा रही है और कर्पूरी जी को ये सबसे बड़ा सम्मान तम जो केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। इस पर सियासत करने वाले सभी लोग आज भले ही नरेंद्र मोदी के विरोधी हों लेकिन उनको उनकी इस कदम के लिए प्रशंसा कर रहे हैं, तो परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं। ये तस्वीरें देखिए, परिवार के अंदर की तस्वीरें जहाँ कर्पूरी ठाकुर के 100वीं शताब्दी के मौके पर जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है प्रदेश भर में कहा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर कई नेताओं के मन में थोड़ा सा टीस है, वो भी है कि सम्मान मिला लेकिन बहुत देर से मिला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।